हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्या टेक्निकल वीडियोस पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी ऐप लेकर आया हूँ जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं बिल्कुल क्रोम ब्राउज़र की तरह, और आप उस ऐप पर कुछ भी छिपा भी सकते हैं ऐप लॉकर की तरह। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी डाली हुई हर वीडियो आपको सबसे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। जाने के बाद आपको सर्च करना होगा सीक्रेट गैलरी। सर्च करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर मेरा इंस्टॉल है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपको ऐसा आएगा, आप यहाँ पर पासवर्ड डालिए, जो भी आपको डालना है वही डाल दीजिए, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर डालती हूँ 6677, उसके बाद कन्फर्म फिर से डालना होगा 6677। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको फिर से एक ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको यहाँ जो भी सर्च करना है, आप अगर चाहते हैं कि फ्लावर्स देखना है आपको यहाँ पर, वो भी देख सकते हैं। फ्लावर्स सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आपको यह फ्लावर्स आ जाएगा। जो भी आप देखना चाहते हैं बिल्कुल एक क्रोम ब्राउज़र की तरह ही काम करेगा ये ऐप। लेकिन हमें यहाँ पर और भी कुछ दिखाना है, वो है कि आप यहाँ पर जो आपने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड फिर से आपको यह डालना है 6677। सॉरी, मेरा मिस्टेक हो गया, 6677 डालकर आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको प्लीज एडेड ऐप फोल्डर पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फाइल बनाना है, फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ पर फोटोज़ हो या वीडियोज़ हो, आप जो भी आप एडिट कर सकते हैं, जो भी आप हाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा यह फ़ोटो एडिट करिए, अब यह फ़ोटो हाइड हो गया, हमारे गैलरी से भी यह फ़ोटो हाइड हो गया है। अब आपको फिर से बैक जाना है, अब बैक जाकर आप यहाँ क्रोम सीक्रेट गैलरी पर टच करना है। उसके बाद आपको अगर आप जो हाइड किया वो फोटो देखना चाहते हैं तो आपको फिर से जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालना होगा 6677। उसके बाद सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपको ऐसा जो हाइड हुआ था वो फोटो आ जाएगा। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल की ऐप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, आप अगर कुछ मुझे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।